अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग गुड। डियर स्टूडेंट, इन टुडे लेक्चर वी गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 5, एनवायरनमेंट्स एंड फूड चेन। सो आवर टुडे टॉपिक इज एनवायरनमेंट, यानी कि आज हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं एनवायरनमेंट की। योर एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू वट एवर यू हैपन टू बी। वो कहते हैं कि आप किसी भी जगह पर हों, कहीं पर भी हों, आपके इर्द गिर्द की जो हर चीज़ है वो आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है, आइदर यू आर इन स्कूल, आइदर यू आर एट होम, आइदर यू आर इन पार्क, ये सब चीज़ें जो है वो आपका एनवायरनमेंट है। योर हाउस, योर स्कूल, द रोड्स, द प्लेइंग फील्ड्स, द शॉप्स, द पीपल, द सिटी यू लिव इन एंड द एयर यू ब्रीथ ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। यानी कि घर, स्कूल, रोड, प्लेइंग फील्ड्स, शॉप्स, पीपल और सिटी जहाँ आप रहते हैं, जो हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, ये सब चीज़ें जो मिलकर आपके एनवायरनमेंट को बनाती हैं। ऑन अ वाइडर स्केल द एनवायरनमेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज़ द अर्थ। अगर हम बहुत बड़े लेवल पर बात करें, ठीक है, अगर हम हर चीज़ की बात करें, तो हर लिविंग थिंग्स या हर क्रिएचर का जो एनवायरनमेंट है वो अर्थ है। एवरी लिविंग थिंग हैड्स इट्स ऑन एनवायरनमेंट, और हर लिविंग थिंग्स का अपना एक एनवायरनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ लिविंग थिंग्स हैं जो पानी में रहती हैं, तो जो वाटर है वो उनका एनवायरनमेंट है। कुछ लिविंग थिंग लैंड पर रहती हैं, वो उनका एनवायरनमेंट है। कुछ एनिमल्स या प्लांट ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट में ही रहते हैं या ग्रो करते हैं, तो वो उनका एनवायरनमेंट है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ लिविंग थिंग्स इन आर एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, आइदर दे आर प्लांट और आइदर दे आर एनिमल। ठीक है, बिकॉज हमें फूड किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। इसके अलावा एनिमल हमारी बहुत सी डेली यूज़ की चीज़ें बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट इट्सेल्फ। इसके साथ साथ हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। दोज नॉन लिविंग थिंग सच एज लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ लिविंग थिंग्स का ही नहीं, बल्कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को बनाती भी हैं, हमें उनका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, जैसे लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन इन जो नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वे इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर नहीं है तो अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जितनी भी लिविंग थिंग है उन सबको वाटर की ज़रूरत होती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड वाटर टू हेल्प देम डाइजेस्ट फूड। इंसानों और जानवरों को उनका फूड डाइजेस्ट करने के लिए, यानी ठीक है, वाटर की ज़रूरत होती है। द केमिकल चेंजिंग्स इन द बॉडी कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ देयर इज़ वाटर। हमारी बॉडी में जो केमिकल चेंजिंग्स होते हैं, ठीक है, फूड डाइजेस्ट होता है, फूड से मुझे एनर्जी मिल रही होती है, इस दौरान जो रिलीज वगैरह चीज़ें रिलीज हो रही होती हैं, ये जितने भी दूसरे केमिकल्स चेंजिंग्स हैं वो तभी पॉसिबल है अगर वहाँ पर पानी है। प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम टू ग्रो। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि प्लांट उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स, और वाटर की वजह हेल्प से ही जो प्लांट के लीव्स हैं उनमें खाना प्रोड्यूस होता है, यानी कि उनके लिए स्पेशल फूड बनता है। तो ये तो हमने बात की हमारे वाटर की, अब हम आते हैं एयर की तरफ, एयर को डिस्कस करते हैं। एयर मतलब हवा। द एयर
सराउंडिंग द अर्थ कंटेन मैनी गैसेस, ठीक है, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो हवा है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब, ठीक है। वन ऑफ दीज गैसेज इज ऑक्सीजन। अब इन सब गैसेज में से एक गैस का नाम है ऑक्सीजन, ठीक है। यू टेक ऑक्सीजन इन टू द बॉडी वैन यू ब्रीथ। और जब हम इंसान या जानवर सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हम हवा से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले जाते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीफ स्टोमेटा। अब प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? प्लांट्स के लीफ में छोटे छोटे होल स्टोमेटा होते हैं जिनके थ्रू वो सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। हर लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि इसकी हेल्प से वो अपने फूड से एनर्जी हासिल कर सके। एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सीजन बर्न द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन फूड को बर्न करती है ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके। दिस एनर्जी इज यूज फॉर ग्रोथ एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट। अब ये एनर्जी से जो फूड से एनर्जी मिलती है हमें, इस एनर्जी से एक तो लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करती हैं, आइदर एनिमल, आइदर प्लांट और ह्यूमन, और दूसरा जो बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाती है ये उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा अगर एनिमल है या ह्यूमन है तो रेड ब्लड सेल की ग्रोथ में भी ये हेल्पफुल होती हैं। यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ह्यूमन और एनिमल जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जबकि सुनो, यहाँ पे एक पॉइंट बताती चलूँ कि हम ह्यूमन जो होते हैं वो और एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, बट जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग ब्रीथ अंदर लेकर जाते हैं। इट इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट गैस, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड भी है वो हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट गैस है, ठीक है, जिसके बारे में जो है वो हम फिर लेटर जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास मिनरल्स। सॉइल कंटेन मिनरल्स, यानी सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का मतलब है मानियात। लिविंग थिंग्स नीड मिनरल फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। सब लिविंग थिंग्स को मिनरल की ज़रूरत होती है उनकी हेल्थ के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स टेक इन मिनरल थ्रू देयर रूट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। अब आप सब एक चीज़ जानते हैं कि जो प्लांट है वो सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी कि मिट्टी में जो है हम प्लांट्स को लगाते हैं और वहीं पर ही ग्रो करते हैं। अब प्लांट का जो पार्ट है रूट, रूट क्या करता है, सॉइल से मिनरल को लेता है और फिर वो पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं। टू ट्यूब्स, जाइलम एंड फ्लोएम। एनिमल टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स को जो है वो कुछ एनिमल ईट करते हैं, जैसे जो रैबिट है वो कैरेट का शौक से खाता है, तो इस तरह से जो मिनरल्स होते हैं वो एनिमल में भी ट्रांसफ़र होते हैं। ह्यूमन टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट एंड हर्बीवर्स एनिमल। अब ह्यूमंस क्या करते हैं, वो भी प्लांट को ईट करते हैं, इसके अलावा वो हर्बीवर एनिमल्स को भी ईट करते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स को ईट करते हैं जो कि प्लांट को शौक से खाते हैं या प्लांट उनका फूड है। इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मिनरल्स जो है ह्यूमन की बॉडी में भी एंटर होते हैं, आइदर थ्रू प्लांट्स और थ्रू एनिमल। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। हमने पेज नंबर 42 और 43 को डिस्कस किया, जिसमें हमने एनवायरनमेंट को डिस्कस किया और एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग थिंग जैसे वाटर, एयर और मिनरल्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक से रिलेटेड वर्कबुक की तरफ आते हैं। और स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक एंड कम टू पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर हम यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, थिंक अबाउट इट। एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स एंड सनलाइट, वी नीड दिस टू सर्वाइव। कहते हैं इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है सर्वाइव, यानी जिंदा रहने के लिए। विच डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाई। अब इन सब में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है और क्यों? तो हमारे पास स्टूडेंट जो चीज़ें हैं वो है एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स और सनलाइट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एयर। एयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी ब्रीथ एयर। और एयर जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें सांस लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम फूड के बगैर, वाटर के बगैर कुछ टाइम सर्वाइव कर सकते हैं, आइदर इज़ 2 डे, ठीक है, आइदर इज़ 1 डे, बट हवा
जिसमें ऑक्सीजन होती है, अगर हमें वो नहीं मिले तो हम एक मिनट भी सांस नहीं ले सकते। स्टूडेंट पेज नंबर 10 पर इसी का ही सेकेंड पार्ट है, विदाउट वाटर व्हाट एग्जैक्टली वुड हैपन टू ह्यूमंस प्लांट्स एंड एनिमल। वो कहते हैं अगर पानी नहीं होगा तो ह्यूमंस एनिमल और प्लांट के साथ क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, इसका एक और पार्ट भी था, हाउ लॉन्ग वुड दे सर्वाइव। हमने उसको नहीं करना इसलिए मैंने यहाँ पर उसको कट कर दिया है, हम जिसका फर्स्ट पार्ट ही करेंगे। एंड द आंसर इज दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, यानी कि जो ह्यूमंस एनिमल और प्लांट है वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये थे आपके क्वेश्चंस, आपने पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पर इन दोनों क्वेश्चन को अपनी वर्कबुक में अपनी वर्कबुक पे करना है और उसको अच्छे से लर्न करना है। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।